हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तर्कशास्त्र। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैट 23 एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स ऑफ द सीजन 2023 एंड 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों को 2024 से 26 में एमबीए के लिए एडमिशन दे 2024 में एडमिशन लेके 26 तक एमबीए करने का टारगेट रखते हो, तो वो लोगों के लिए कैट 23 एंड अदर एग्जाम्स जो अगले सीजन में होने वाली है उसके बारे में हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए और व्हाई यू शुड डू एमबीए इफ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीजन, देन आई विल ट्राई टू गिव यू फ्यू रीजंस जिसमें से अगर आपको कोई सुटेबल लगता है तो आप एमबीए के बारे में सोच सकते हो। देन एमबीए के लिए एमबीए प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफाइल किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो, आप एग्जाम्स कौन से टारगेट कर सकते हो, एग्जाम्स का सिलेबस क्या है, और उसके बाद हम लोग आपको कैसे किस तरीके से हेल्प कर सकते। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाई। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है लोगों के लिए, चाहे वो एमबीए के लिए जाए या एमपीएससी यूपीएससी के लिए जाए या कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जाए या तो फिर कोई जॉब के लिए, कि मुझे ग्रेजुएशन तो कर लिया भाई, मैंने 10th के बाद 12th कर लिया या डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, क्योंकि फ्लो फ्लो में भेड़ चाल में हम लोग चल रहे थे, सब लोग चल रहे थे, इसलिए हमने भी कर लिया। अभी उसके बाद क्या है ना, मतलब ये ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके ओपन हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, बैंकिंग एग्जाम्स बहुत सारी होती है, ये गवर्नमेंट की तरफ हो गया। प्राइवेट में आपको, आप आईटी जॉब में जा सकते हो, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो, मार्केटिंग सेक्टर में जा सकते हो, उसके अलावा कम्युनिकेशंस में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है ऐसे जहाँ पे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गए जॉब के बारे में। या फिर आप फर्दर स्टडीज के लिए, अगर आपने बीकॉम किया है तो एमकॉम कर सकते हो, बीबीए किया है तो एमबीए कर सकते हो, इंजीनियरिंग किया है तो एमटेक कर सकते हो, एमबीबीएस किया है तो एमडी कर सकते हो, लेकिन सब लोग मिला के एमबीए का ऑप्शन तो सबके लिए कॉमन है। तो आप अगर एमबीए के बारे में सोच रहे हो, आपने अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से और आपको टेक्निकल बैकग्राउंड में कंटिन्यू नहीं करना है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और आपको कॉमर्स बैकग्राउंड में कंटिन्यू नहीं करना है, आर्ट्स से और आर्ट्स में कंटिन्यू नहीं करना है, और सब अगर आप लोगों को एमबीए के लिए आना है क्योंकि ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस हैं, तो आप एमबीए के बारे में सोच सकते हो। लेकिन क्यों, कौन से लोग एमबीए के बारे में सोच सकते हैं, तो कंप्लीट स्टडीज एंड देन स्टार्ट द करियर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरा भी मैं भी खुद पर्सनैलिटी मेरा वैसे ही था जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे था, कि भाई अभी मैं पढ़ लूंगा, एक बार मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया तो मेरे हाथ में एक बार पैसा लग जाएगा, मैं मार्केट में घुस जाऊंगा और फिर मैं मार्केट में शेयर मार्केट में घुस जाऊंगा, फिर देन आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन स्टडीज। या फिर कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे जो एमबीए में आए हुए थे, कि एक बार मेरा अगर पढ़ाई से नाता टूट जाएगा तो देन आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन स्टडीज, ऐसे लोग होते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको हायर ग्रोथ के लिए एमबीए करने की इच्छा होती है। हायर ग्रोथ मतलब करियर ग्रोथ के बारे में बात करो, अगर आपका एग्जिस्टिंग जॉब से, जॉब में, जॉब प्रोफाइल से एंड ग्रोथ से या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से हैप्पी नहीं, खुश नहीं हो, तो आप एमबीए के बारे में सोच सकते हो। या फिर आप करंट प्रोफाइल में खुश नहीं हो और आपको पता है कि मैं अगर यही प्रोफाइल में कंटिन्यू 5-6 साल रहूंगा या फिर इधर से ज्यादा स्विच भी करता हूँ, इंटरनल स्विचेस, तो भी मुझे जो प्रोफाइल में जाना है वो प्रोफाइल में नहीं जाने का ऑप्शन रहेगा, तो आप एमबीए के बारे में सोच सकते हो। या फिर आपको मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी है, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो, एंटरप्रेन्योरशिप गोल्स के लिए हो, या फिर आपका आगे जाके प्रमोशन होता है उसके लिए हो, तो आप एमबीए कर सकते एमबीए के बारे में सोच सकते हो। या फिर जो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक रीजन है कि आप एवरेज कॉलेज से ग्रेजुएट हो ना, आप इंजीनियर हो लेकिन आईआईटी एनआईटी से या ट्रिपल आईटी से नहीं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो लेकिन आप एसआरसीसी, लोयला या जेवियर से वगैरह नहीं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो लेकिन आप फिर से जय हिंद या फर्ग्यूसन से टॉप कॉलेज से नहीं, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो लेकिन फिर से आप गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं, आप एवरेज कॉलेजेस में से ग्रेजुएशन किया हुआ है, जहाँ पे एवरेज कॉलेज का प्लेसमेंट सिनेरियो चल रहा है 3-4-5 मैक्सिमम 6 लाख तक का पैकेज एवरेज कॉलेज के नॉर्मल ग्रेजुएट को आजकल मिलता है, एंड आपको पता है कि आपका टैलेंट इससे कई ज्यादा है, बस बिकॉज 3 और 4 ईयर्स पहले, 3 to 4 ईयर्स अगो थोड़ा सिनेरियो अलग था, आप थोड़े इमेच्योर थे, इसकी वजह से आपने अच्छे से अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन आप आज आपको समझ आ चुकी है और आप 2023 में या 24 में अगर ग्रेजुएशन करने कंप्लीट कर देते हो और आपको पता है कि मुझे मेरे में टैलेंट जितना जितना है उसके हिसाब से मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है पैसों के बारे में, तो आप एमबीए के बारे में सोच सकते हो। मेजोरिटी ऑफ द क्राउड फिट्स इनटू दिस कैटेगरी। देन बहुत सारे लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप गोल्स भी होता है, उसके लिए भी आप एमबीए।
ये तो हो गया वाई एमबीए। अभी एमबीए के लिए जाने के रास्ते कौन से कौन से, या एमबीए के लिए जाने के आपके पास हर्डल्स कौन से हो सकते हैं जिनको आप सपोर्ट बना सकते हो, जिनको आप सीडीओ जैसा यूज करके आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ सकते हो। सबसे पहला होता है आपका 10th 12th का स्कोर। ग्रेजुएशन की स्ट्रीम बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपका ग्रेजुएशन का स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर। तो एक्स्ट्रा करिकुलर के, अभी देखो 10th हो गया भाई आपका, आप अगर 2024 में एमबीए करने वाले हो तो आप डेफिनेटली ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फिर थर्ड ईयर में हो, या फिर अगर 4 साल का ग्रेजुएशन है तो फाइनल ईयर में हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन अगर 2022 में कंप्लीट हो चुका है, 21 में कंप्लीट हो चुका है, तो आप वर्किंग। तो 10th 12th का स्कोर तो गया आपके हाथ से, जो आपके हाथ में है, ग्रेजुएशन स्ट्रीम भी नहीं है, आप नहीं चेंज कर सकते अभी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सोच सकते हो, लेकिन 1 साल का गैप दिखेगा 12th के बाद। आपके हाथ में जो है वो है ग्रेजुएशन का स्कोर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल देन गुड नंबर ऑफ मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस। सबका इस्तेमाल आगे जाके कैसे करना है हम लोग सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, क्या एमबीए में एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ कैट का या कोई एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर इंपॉर्टेंट है? नहीं, उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस आपके पहले के पाप भी यहाँ पे देखे जाते हैं, लेकिन वेटेज उसको बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट स्कोर के ऊपर आपका एडमिशन फिक्स होता है। कंपोजिट स्कोर मतलब क्या? आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर आपके प्रीवियस प्रोफाइल, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन स्ट्रीम, ग्रेजुएशन स्कोर, एंड अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ होगा तो वो, अगर नहीं है तो उसके बदले आप आगे के 1.5 साल में क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिए। तो अभी अगर ये सब आपके हाथ में नहीं है तो आपके हाथ में क्या है? एग्जाम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वर्क एक्सपीरियंस एंड स्कोर्स। अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो तो अभी जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स आपके आएंगे उसमें 70+ 75+ स्कोर करने की कोशिश करते रहो, ताकि आपका प्रोफाइल अच्छा अच्छा बिल्ड होता रहे। एंट्रेंस एग्जाम्स का स्कोर के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड ये सब का कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, जिसको बोला जाता है कंपोजिट स्कोर। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, पहले समझ लो कि आपको जो मैदान में उतरना है लड़ाई के लिए, वो मैदान के, वो गेम के, आप जो गेम खेलने के लिए उतरने वाले हो मैदान में, वो गेम के रूल्स क्या है ना, वो गेम के रूल्स क्या है वो समझ लो पहले, फिर अपना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस कंपेयर करके समझ बूझ के उसमें हमें। बहुत सारे लोगों को मन में प्रॉब्लम ये होता है या डाउट ये होता है कि सर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कैसे होगा? अरे हर एक कॉलेज में, चाहे वो आई एम अहमदाबाद हो, चाहे वो आई एम बैंगलोर हो, चाहे वो आई एम कलकत्ता हो, XLRIS हो, SP जैन हो, JBIMS हो, कोई भी कॉलेज आप उठा के देखो, हर एक कॉलेज में कम से कम 20-25% फ्रेशर्स आर स्टिल देयर। क्योंकि अगर मैं एक केस स्टडी पे 5-6 लोगों को बिठाता हूँ एक पॉलिसी डेवलप करने के लिए, तो उसमें से एक अकाउंटेंट होगा CA बैकग्राउंड वाला, एक बंदा इंजीनियरिंग एंड वर्किंग प्रोफेशनल होगा IT बैकग्राउंड वाला, एक बंदा इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल बैकग्राउंड वाला होगा, एक बंदा हेल्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट से होगा, एक बंदा ये वर्क एक्सपीरियंस होगा, एक बंदा कोई तो भी फ्रेशर ग्रेजुएट भी हो सकता है, बिकॉज दिस पीपल नो वॉट इज एक्सेप्टेड बाय द यूथ एंड वॉट इज करंटली गोइंग ट्रेंडिंग इन द मार्केट। तो ये लोगों के ओपिनियन भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए फ्रेशर्स को भी बहुत ज्यादा वैल्यूज रहती है, प्रोवाइडेड आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपके पास ये दो ऑप्शन है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैट के बारे में डर है मन में कि सर कैट का एग्जाम मैंने सुना है बहुत डिफिकल्ट है। सुना है आपने? आपने कभी देखे देखा है क्या? इट्स जस्ट, कैट एग्जाम इज जस्ट लाइक स्विमिंग। बहुत सारे लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता, बहुत सारे लोग जिनको सिर्फ स्विमिंग पूल में या छोटा जो टैंक होता है स्विमिंग टैंक उसमें तैरना आता है। अगर आपको बोला कि कुएं में जाके तो आप तैर सकते हो क्या, या ना ओपन तालाब में जाके तैर सकते हो क्या, तो नहीं, डर लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आएगा नहीं, थोड़ा आपको अगर सपोर्ट दिया जाएगा, थोड़ा आपका मॉरल बूस्ट किया जाएगा, थोड़ा आपको तैरने के लिए जो आप डूब ना जाओ इसके लिए जो बेल्ट होता है या टायर होता है वो अगर मैं आपको दूँ तो आप आराम से जंप कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली जंप। उसी तरीके का होता है कैट के बारे में, आप एक बार मॉक टेस्ट देके तो देखो, फ्री वाले मॉक्स आपको ऑनलाइन कितने सारे अवेलेबल है।
हम लोग हमारे पोर्टल पे जाओगे तो कितने सारे मॉक्स अवेलेबल, फ्री के मॉक्स बोल रहा हूँ मैं, हर एक एग्जाम के बारे में एक एक फ्री का मॉक तो अवेलेबल है। वो मॉक्स देखे तो देखो, है ना, थोड़ा ना आपको उसके लिए पैसा लग रहा है। फ्री का मॉक बोल रहा हूँ मैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, थोड़ा सा इंटरनेट जाएगा 200-250 से, तो 2.1.5 GB वाले लोग हैं आज कम से कम सबके पास, तो उतना देखे देखो तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरे मन में जो डर था वो सच में डर है भी, तो वो डर सच में जायज है भी या नहीं, है ना। क्योंकि कैट में 66 क्वेश्चंस में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो भी आप 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर कर लोगे, जिसमें से आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर कैट के बारे में आपको वैसे भी डर है तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे जैट के एग्जाम है, आईआरटी के एग्जाम। चलो ये एग्जाम थोड़े कैट के लेवल की हो गई, इजी लेवल के एग्जाम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एनमैट का एग्जाम, स्नैप का एग्जाम है, सीमैट, SRCC, GBO, MBA, CET है महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए, देन मैट का एग्जाम, JBIM, MHRD का एग्जाम है, टिस्नेट का एग्जाम, मैकैट का एग्जाम, IBSAT का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स है गाइस। तो आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे MBA करना है तो उसके बारे में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक बार उतर जाओ। देन फियर ऑफ, बहुत सारे लोगों को होता है कि फियर ऑफ मैथ्स, सर मुझे मैथ्स तो नहीं आता है, मेरा मैथ्स 10th तक बहुत वीक था, या मेरा मैथ्स 11th 12th में बहुत वीक था, या फिर मुझे इंटीग्रेशन, तो आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो मुझे इंटीग्रेशन डेरिवेशन तो आता ही नहीं है। अरे वो तो कैट या कैट क्या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं पूछा जाता है। प्योर अरिथमेटिक, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कॉम्बिटेशन कॉम्बिनेशन, बस जो मैथमेटिक्स आपने 10th तक पढ़ा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड, आपने अगर स्टेट बोर्ड में पढ़ा हुआ है 10th तक मैथमेटिक्स, तो वही मैथमेटिक्स के ऊपर आपको MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज के बारे में लोगों के मन में खौफ नहीं है, या जो चीज के बारे में, जो सब्जेक्ट को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो है वर्बल। आई हेविली रिकमेंड यू गाइज टू फोकस ऑन वर्बल स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मोमेंट। कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ो, उसमें एडिटोरियल्स पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ो, उसमें फ्रंट पेज पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, रीड एनीथिंग बट रीड फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे। आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको थ्रिलिंग थ्रिलर्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको नॉर्मल नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर अलग अलग जॉनर के नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, वो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बायोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, साईफाई नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ो, मूवीज देखो चलेगा, लेकिन इंग्लिश आपके कान पे पढ़नी चाहिए, इंग्लिश आपके माइंड में जानी चाहिए, एंड इंग्लिश आपके जुबान से निकलनी चाहिए। सो व्हाट आई विल से रिकमेंड, हेविली रिकमेंड, इज रीड फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे, एंड रीड इट अलाउड, जोर से पढ़ो, ताकि खुद का खुद को तो भी सुनाई दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे क्लासरूम में जाके जोर से पढ़ना है, लाइब्रेरी में जाके भी टेबल पे बैठ के ऐसा पढ़ो एटलीस्ट कि खुद का खुद को सुनाई दे। उससे क्या होगा, आपके प्रोनाउंसिएशंस ढंग के हो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है, वो ओवरनाइट नहीं आता है। आप अगर बच्चों को देखोगे तो एक बच्चा खुद की मदर टंग, जो लैंग्वेज में उसके दादाजी दादी नाना जी नानी मम्मी पापा भाई बहन सब लोग बात करते हैं, वो लैंग्वेज वो बच्चे को सीखने को कम से कम 2 3 4 5 6 साल तक लग जाते हैं, तो ये तो आपकी मदर टंग भी नहीं है। सो डर मत रखो ये लैंग्वेज के बारे में, लेकिन इससे इसको पीठ दिखा के भागो भी, फेस द फियर, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। उसके लिए टूल्स है ना हमारे पास, दिन का 45 मिनट्स कम से कम पढ़ो, जो आपके हाथ में आर्टिकल आता है वो पढ़ो, मैगजीन आया गया आ गया हाथ में पढ़ो, और वो थोड़ा ऐसे तरीके से पढ़ो कि खुद का वर्डिंग, खुद का जो प्रोनाउंसिएशन है वो खुद को तो भी सुनाई दे, तब जाके आपका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहे तो धीरे धीरे वो सही हो गया, और फिर आगे जाके आपको स्टेज फियर नहीं रहेगा, एंड देन आपका लैंग्वेज फियर भी नहीं रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या होती है MBA के लिए, जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, आपको कम से कम फाइनल ईयर में होना पड़ता है, आप प्री फाइनल ईयर में अपियर नहीं कर सकते एग्जाम्स के लिए, या आपको एडमिशन नहीं मिले। जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में रहेंगे 2023 के कैट तक, मतलब आप अभी अगर प्री फाइनल ईयर में हो, 3 साल का ग्रेजुएशन है तो आप अगर सेकेंड ईयर में हो, 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आप अभी थर्ड ईयर में हो, तो आपने आइडियली अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर योर कैट एग्जाम, बिकॉज आपके पास हार्डली 10 महीने का टाइम।
अभी आते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग पे। प्रोफाइल बिल्डिंग मतलब क्या, इसमें आपका अभी जो हो गया वो हो गया, रात गई बात गई, गई बात पे मिट्टी डाल। प्रीवियस कोर्स कैन नॉट बी चेंज नाउ, एक्सेप्ट दिस रियलिटी एंड मूव अहेड। अभी आप अगर आपके माइंड में थोड़ा भी नर्वसनेस है या थोड़ा भी थोड़ी भी बुराई है खुद के बारे में, खुद के लिए कि यार मैंने टेंथ में थोड़ा पढ़ लेता तो मेरा टेंथ का स्कोर अच्छा आता था, या मैं ट्वेल्थ में थोड़ा पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मेरा ट्वेल्थ का स्कोर थोड़ा अच्छा आता था, हो गया ना। अभी अभी कुछ कर सकते हो क्या आप? विदाउट वेस्टिंग अ ईयर आप फिर से टेंथ एंड ट्वेल्थ का स्कोर नहीं बढ़ा सकते, तो लेट इट बी, है ना। अभी आपके हाथ में जो है, अभी आपका ग्रेजुएशन का स्कोर आपके हाथ में, उसमें टॉप करने की कोशिश करो, उसमें जितना हो सके अपने हिसाब से 100% देने की कोशिश करो, ताकि आपके मन में वो गिल्ट फीलिंग जो टेंथ एंड ट्वेल्थ के बारे में अभी है वो बाद में ना रहे कि यार हाँ मैंने ग्रेजुएशन में मेरा 100% दिया सब कुछ मैनेज करके, तो जाके मुझे 60% आया, 65% आए, 70% आए, 75% आया, जो भी मेरा ग्रेड आया, ए ग्रेड ए प्लस वगैरह वो आया। अभी इससे ज्यादा मैं मेरा बाकी सब छोड़ के, मतलब सपोज करो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा हूँ या स्पोर्ट्स खेलता हूँ कोई, या फिर कोई क्लासेस कर रहा हूँ रिलेटेड म्यूजिक और एनी आर्ट रिलेटेड और एनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड, तो वो सब मैनेज करके मैंने 70% लाया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर। ठीक है, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ और माई रिजल्ट विद द टॉपर्स ऑफ द क्लास और विद द फेलियर्स ऑफ द क्लास। मैं मेरा प्रीवियस जो खुद का रिकॉर्ड है उसको मैंने ब्रेक कर दिया, उसके लिए मैं खुश हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। अभी तक आपको, अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा होगा या अभी तक आपका अपने एमबीए में एडमिशन नहीं मिल जाए, तो आपको नहीं पता है कि आपको एमबीए फाइनेंस में करना है या मार्केटिंग में करना है या ऑपरेशंस में करना है या एचआर में करना है या मार्कॉम या कम्युनिकेशंस में करना है या किस में करना है, आपको नहीं पता है। तो इसके लिए क्या रिकमेंडेड रहता है कि छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस होते हैं वो आप करते रहो। हम लोग खुद सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, उसका लिंक एंड जो कूपन कोड है, जो कूपन कोड यूज करके आपको सर्टन डिस्काउंट मिलेगा 10-15-20% तक का, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये सर्टिफिकेशन आप बहुत सारे लेवल के कर सकते हो, थोड़े हायर लेवल के भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको फाइनेंस फील्ड में ही जाना है तो आप FRM के सर्टिफिकेशंस के बारे में सोच सकते हो, CFA के सर्टिफिकेशंस के बारे में सोच सकते हो, थोड़ा हायर लेवल, बहुत महंगा सर्टिफिकेशन है। ओके, दो दो 1 लाख का एक लेवल है इसका, 1 लाख के ऊपर का नहीं। तो फिर आप छोटे छोटे लेवल के बारे में सर्टिफिकेट, छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस के बारे में भी सोच सकते हो, जिसका लिस्ट भी मैंने नीचे दिया हुआ है। या फिर आप, आपको अगर अगर आप को ऐसे लगता है कि यार मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं काय को सर्टिफिकेशन पैसा वेस्ट करूँ, इतना पैसा मुझे नहीं वेस्ट करना है, बट आई जो ऑल्सो वॉन्ट टू बिल्ड अ प्रोफाइल, तो वॉलंटियर्स आप बन के किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट हो सकते हो, किसी एनपीओ के साथ एसोसिएट हो सकते हो, उनका मंथली एक एक एक्टिविटी भी अगर आपने किया तो 12 महीने आपके 12 एक्टिविटीज हो जाएंगे एंड आपके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट। या फिर आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपका अभी करंट ग्रेजुएशन चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आप इंटर्नशिप्स करोगे तो वो थोड़ा बेटर रहेगा, एंड वही मैं रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि क्या होगा कि आगे जाके आपका ग्रेजुएशन का पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आप MBA के लिए वो बहुत अच्छे दावेदार आप बन सकते हो अच्छे कॉलेज के लिए। कोई लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट कर दो, जैसे हम लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं, हमारा कंटेंट डेवलपमेंट का काम कंटिन्यूअसली चलते रहता है, तो हम लोग भी देते हैं। आपको अगर चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विद एनी स्टार्टअप्स और एनी स्मॉल मिड और लार्ज स्केल कंपनी अराउंड यू विच विल ऑफर यू अ लाइव प्रोजेक्ट। ठीक है, आप अगर जॉब करते हो तो वर्क एक्सपीरियंस तो है ही यार आपके पास, वो अच्छे क्वालिटी का बनाते रहो। बहुत सारे कंपनीज में क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ बायनरी बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ या स्टार परफॉर्मर का अवार्ड वगैरह दिया जाता है, तो वो जितने ज्यादा हो सके उतने कलेक्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि मतलब तात्पर्य क्या है मेरा बोलने का, जो भी कर रहे हो गिव योर 100% इन दैट। जॉब कर रहे हो उसमें, ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें, सर्टिफिकेशंस कर रहे हो उसमें, प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए कुछ भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें 100% देने की कोशिश करो। बहुत सारे लोगों का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें जितने हो सके उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश करो, उसमें जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करो, है ना। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल स्टडीज आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा क्या क्या करने की कैपेबिलिटी देख रखते हो, ये देखा जाता है बी कैट के दौरान।
कंटेंट डेवलपमेंट की आपको बहुत सारी इंटर्नशिप मिल सकती है। अगर आपको कोई लैंग्वेज कोर्सेस करने हैं तो वो लैंग्वेज कोर्सेस कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है गाइस। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सब आप गूगल पे डालो, जो फील्ड में चाहिए वो फील्ड में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। शेयर मार्केट के बारे में क्लासेस कर सकते हो। दिस इज वेरी मतलब मेरे मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मेरे को ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। मैं अगर मेरे पास अगर टाइम रहेगा तो मैं एक दो कोर्सेज इसके बारे में कर लेता। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे टोस्ट मास्टर। टोस्ट मास्टर्स मुझे पता है, इसके कुछ सेशंस मैंने किए हुए हैं, मुझे पता है बहुत बढ़िया क्लब है। आपका नियरेस्ट टोस्ट मास्टर का क्लब देखो, ये वीकेंड बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इनका एक्टिविटीज होते रहता है। जितना आपसे हो सके उतना आप ज्वाइन करते रहो एंड पार्टिसिपेट करते रहो। यूट्यूब पे खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, कोई कुछ भी बोले आपको चलेगा। एटलीस्ट आपका कैमरा फेसिंग कॉन्फिडेंस जो रहता है वो बढ़ेगा, एंड जो लैंग्वेज पे होल्ड होता है वो बढ़ेगा। इंस्टा रील्स बनाना चाहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहते हो, इंस्टा रील्स बनाना चाहते हो, जो आप जिस चीज में आप अच्छे हो वो चीज में आपका 100% देने की कोशिश करो, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पे, एग्जाम्स। तो आपके एग्जाम सीजन स्टार्ट होता है अगले साल सितंबर से, या फिर हम लोग बोलते हैं अक्टूबर से। अक्टूबर 2023 से आपका एग्जाम सीजन स्टार्ट होगा। सबसे पहले एग्जाम आएगा एनमैट। एनमैट का एग्जाम का 3 मंथ्स का विंडो होता है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। कौन सा? अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीने में आप अपना स्लॉट, डेट, टाइम स्लॉट बुक करके वो एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद यूजुअली नवंबर में आएगा आपका 23 में कैट का एग्जाम। तो सब एग्जाम्स के बारे में हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है कैट का एग्जाम, जो मैंने अभी बताया आपको कि नवंबर 23 में रहेगा आपका। एंड इसके बाद इसके थ्रू आपको टॉप कॉलेजेस कौन से मिलेंगे? ऑल द 20 IIMs एंड देर आर अराउंड 20 non-IIMs। मैं सिर्फ टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा, बिकॉज बाकी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सभी एग्जाम्स एक्सेप्ट कर। भी 1 साल से ज्यादा का टाइम है आपके पास, कैट के लिए तो 1 साल से कम का टाइम है, लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए भी अगर आप देखोगे तो मोर देन 10 मंथ्स का टाइम है आपके पास अभी भी कैट के लिए। मोर देन 10 मंथ्स, 10 मंथ्स से ज्यादा का टाइम में आप प्रोफाइल बिल्ड करते करते भी IIMs का टारगेट रखते हुए कैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कैट के बाद होता है जेट का एग्जाम, इसके थ्रू जो बेस्ट कॉलेज है वो है XLRI का, ये यूजुअली होता है दिसंबर एंड में। इसके बाद होता है IIFT का एग्जाम, ये भी यूजुअली दिसंबर, ये यूजुअली दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक होता है। सॉरी, जेट का एग्जाम जो होता है वो जनवरी दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक होता है मोस्टली। इसको अपना एक सीक्वेंस रखते हैं ना अपन, जनवरी 24 बेस्ट कॉलेजेस XLR, देन इनका होगा दिसंबर 23 के मीडिया एंड में, एंड इनके थ्रू बेस्ट कॉलेजेस है IIFT दिल्ली एंड IIFT कोलकाता काकीनाडा कैंपस। देन एनमैट का एग्जाम, जैसे मैंने आपको बोला कि अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने का विंडो होता है इनका, आपको जब चाहे आप दे सकते हो, 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो इसका। बट NMIIMS का बेस्ट जो कॉलेज है इनका, इन ये एग्जाम के थ्रू जो NMIIMS मुंबई का बेस्ट कॉलेज है, दे विल एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट अक्टूबर में देना चाहते हो, नवंबर में देना चाहते हो, तो आपके हिसाब से दे सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा आपका उसी का स्कोर बेस्ट कॉलेज के लिए एक्सेप्ट रहेगा। बाकी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट का स्कोर बाकी कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे तेजस सोमैया हो गया, देन अदर कॉलेजेस जो NMIIMS बैंगलोर हो गया, NMIIMS के अदर कैंपसेस है इंदौर, नवी मुंबई, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्नैप का एग्जाम, ये यूजुअली दिसंबर में, अभी इन्होंने भी 3 अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिए हैं, दिसंबर 23 में होगा, एंड इनका बेस्ट ऑफ 3 होगा। इनके बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? SIBM एंड SCM। ये सब कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस है उसकी लिस्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो लिस्ट तो पूरा डिटेल में है कि टॉप कॉलेजेस, यू कैन सॉर्ट दोज कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर विल। आपको फीस के हिसाब से सॉर्ट करना है, फीस के हिसाब से सॉर्ट करो। मीडियम सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करना है, उसके हिसाब से सॉर्ट करो। हाईएस्ट फीस सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करना है, वैसा करो। देन वो कॉलेज कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट करता है एंड वो एग्जाम कौन से मंथ में होता है, वो कॉलेज का पूरा प्रोसेस क्या है, वो सब डिटेल में दिया हुआ है टेबलर फॉर्म। स्नैप के बाद आता है MBA CET का एग्जाम, ये यूजुअली होगा, यूजुअली होता था 2020 तक मार्च में, 21 एंड 22 में कोविड की वजह से, एंड DTA का बहुत ही भंगार कारोबार है, बहुत ही बकवास कारोबार है। ये जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है इनका बहुत बकवास कारोबार है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि दिस शुड बी योर लास्ट एग्जाम। इसके लिए स्टार्टिंग
का एक टारगेट ये एग्जाम मत रखो प्लीज। हाँ अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो ये एग्जाम आप रख सकते हो। इसके थ्रू सिर्फ हम लोग दो ही कॉलेजेस रिकमेंड करते हैं। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप JBMS में जा सकते हो, अगर आप फ्रेशर्स हो तो उनके लिए ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, JBMS एंड सिम्स। देन इसके बाद सीमैट का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये एग्जाम यूजुअली होता है जनवरी या फेब्रुवरी में होता है, जैन फेब में होगा ठीक है। इसके थ्रू भी अच्छे कॉलेजेस, ऑल इंडिया लेवल के सीट्स देखोगे तो JBMS सिम्स में अवेलेबल है, लेकिन इसके थ्रू सिर्फ सीमैट का स्कोर स्पेसिफिकली हाई, मेजोरिटी ऑफ द सीट्स एक्सेप्ट करने वाला कॉलेज है KG सोमैया का है, वेलिंगकर का है, देन GIM गोवा का है, उसके बाद SRCC GBO। ये एग्जाम ये साल तो फेब्रुवरी में हो रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि 24 में भी फेब्रुवरी में होगा। इनके थ्रू इनका एक खुद खुद का आपके लेकर अपना कॉलेज है, JSRCC ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, बहुत बढ़िया कॉलेज है दिल्ली में। डेन ये तो भाई एवरग्रीन कॉलेज, कॉलेज फॉर HR। इफ यू आर टारगेटिंग HR MBA इन HR तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए टिस, देन एक्सेलराइज एंड देन SCM HRD वगैरह वगैरह ठीक है। ये एग्जाम यूजुअली इसी रेंज में होता है, जनवरी फरवरी के दरमियान, एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मल्टीपल कोर्सेज है। इसमें आपको MBA का डिग्री नहीं मिलता है, इसमें आपको MA का डिग्री मिलता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन डिग्री होता है ये अगर आप HR में इंटरेस्टेड हो तो। JBMS MHRD का एग्जाम होता है, यूजुअली मई में होता है, इन्होंने भी खुद का एग्जाम स्टार्ट किया है MHRD का। नाउ दे डू नॉट एक्सेप्ट थ्रू MBA CET, दे हैव नेवर एक्सेप्टेड थ्रू MBA CET फॉर दिस प्रोग्राम ठीक है। देन XGMT का एक एग्जाम होता है जो जेवियर्स के कॉलेजेस के लिए होता है, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, 10-15 लाख का, 12-15 लाख का एवरेज पैकेज है इसका। MICAT, एक माइका मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन करके एक कॉलेज है, उनका एक एग्जाम होता है। देन मैट एटमा, ये सब एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। व्हाट आई विल रिकमेंड इज ये जो एग्जाम्स है ये एग्जाम्स पे आपका फोकस होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपको मास कम्युनिकेशन में जाना है तो MICAT का टारगेट आप रख सकते हो, लेकिन मैट एटमा का टारगेट आप इनिशियल टारगेट रख के आइडियली यू शुड नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एमबीए। एम्स अब्दुल कलाम कह के गए कि अगर आपके एम्स हायर हो गए तो आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करोगे, अगर आपके एम्स ही लोअर हैं, अगर सपोज करो मेरा एम है कि भाई मुझे 25 लाख कमाने का है या 1 करोड़ कमाने, तो अगर 1 करोड़ का टारगेट रखूंगा तो जाके मैं 70-80 लाख तक रखूँ, अगर मैंने टारगेट ही 80 लाख का रखा है तो फिर मैं आई बी हैप्पी विथ 70-65 लाख ही। लेकिन इसमें तो मेरा नुकसान हो गया ना, अगर मैंने 1 CR का टारगेट रखा होता तो आई कुड हैव रीच्ड टिल 70-75 इवन 80, तो मैंने तो मैं अभी 65 पे भी खुश हूँ, लेकिन टारगेट अगर ठीक रखता था तो 80 तक पहुंच सकता था, तो भाई है ना। तो अगर टारगेट ढंग से टारगेट हायर रखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में ही जाके गिरोगे। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट आप अगर MBA करना चाहते हो इंडिया से तो कोई भी टॉप 50 कॉलेज में से करो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, पूरी जिंदगी सब ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जो लेटेस्ट एग्जाम्स हो चुके हैं उनके बाद उनका रेफरेंस लेके मैं आपको बता सकता हूँ ठीक है। जैसे CAT 22 का एग्जाम कुछ इस तरीके से हुआ था, 40 मिनट्स पर सेक्शन, 120 मिनट्स टोटल, +3 नो -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग फॉर TITA क्वेश्चंस। TITA क्वेश्चंस मतलब क्या होता है, इसमें ऑप्शंस नहीं होता है, इसमें आपको एक बॉक्स दिया रहता है एंड इसमें आपको ऑप्शन आपका आंसर टाइप करना पड़ता है, जो भी आप करेगा। आप कीबोर्ड यूज कर सकते हो, यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है। जैट का एग्जाम जो ये साल होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है करेक्ट, जैट 23 जनवरी में जो होने वाला है उसका मार्किंग, तो आई विल रिकमेंड यू टू पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ठीक है। सिमिलरली दो नेक्स्ट 4 एग्जाम्स आर दिस, प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, मतलब जो लिखा हुआ है वही मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, है ना। हाँ इसमें ये स्लाइड्स क्यों रखी थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे सिलेबस देखो, VARC VA VA VARC DILR, यहाँ पे भी देखो DILR, यहाँ पे भी देखो DILR, QA QA QA। GK कुछ कुछ एग्जाम्स में एक्स्ट्रा सेक्शन करके एक आता है GK, लेकिन VARC DILR एंड QA ये 3 सेक्शंस जो है ये सभी एग्जाम्स में, आप MBA का फर्स्ट रैंक एग्जाम जो सबसे ज्यादा लोग देते हैं कैट का एग्जाम वो उठा के देखो, या सबसे कम लोग देते हैं एटमा का एग्जाम वो उठा के देखो, QA VARC QA एंड DILR ये 3 सेक्शंस आपको कॉमन दिखेंगे, VARC QA DILR।
सभी वीआरसी क्यूडी या एलआरजी सब सेक्शंस वैसे के वैसे, इसमें अपना टाइपो एरर हो गया होगा शायद, ठीक है। वीआरसी क्यूडी या एलआर, कुछ कुछ एग्जाम्स में अपने अपने सेक्शन एक्स्ट्रा के, सी मैट में इनोवेशनशिप, सी मैट 23 के लिए जिसका हमारा वर्कशॉप अभी स्टार्ट होने वाला है दिसंबर जनवरी में, जीके जो जिसके लिए हम लोग मंथली जीके की वीडियोस बनाते रहते हैं, एग्जाम्स के लिए भी उनका शॉर्टकट्स बना, उनका वर्कशॉप्स रन करते रहते हैं। तो कहने का ये दो स्लाइड्स का तात्पर्य यह था कि कॉमन सिलेबस इज ऑलमोस्ट 80% फॉर ऑल द एग्जाम्स, विच कंसिस्ट ऑफ वी ए आर सी, एल आर के कुछ टॉपिक्स, डी आई के कुछ टॉपिक्स एंड क्यू ए के कुछ टॉपिक्स। 80 तो नहीं बोल सकते, 70% ऑफ द सिलेबस इज ऑलमोस्ट कॉमन। जो हम लोग एग्जाम के बारे में, सबसे बड़ा एग्जाम के बारे में बात करेंगे, कैट के बारे में, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कैट के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपका बाकी एग्जाम्स का प्रिपरेशन अपने आप हो जाता है। तो लोगों को डर रहता है कि सर अभी कैट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, या कैट में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कैट में 99% कैसे लाऊंगा मैं। अरे भाई, 99% नहीं, तो पहले तो डिफरेंस होता है परसेंटेज एंड परसेंटेज, ये डिफरेंस समझने की कोशिश करते पहले। तो डिफरेंस क्या होता है, परसेंटेज मतलब क्या, कि आपका जो रैंक है आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके रैंक से लेसर रैंक पाने वाले कितने लोग हैं। तो सपोज करो एक एग्जाम देने वाले 3 लाख कैट का, अगर आपका रैंक, आप अगर टॉप 300 में आते हो, टॉप 300 मतलब कितना हो गया, 10%, 1%, 0.1%, मतलब 2,99,000 एंड 700 स्टूडेंट्स आर बिहाइंड यू, मतलब आप टॉप 0.1% में आते हो, 0.1% में आते हो, तो आपका परसेंटेज कितना होगा, 99.9%, क्योंकि इतने लोग आपके पीछे आते हैं। तो ये स्कोर लाने के लिए आपको एक्चुअल एग्जाम में कितना परसेंटेज स्कोर करना पड़ता है, चलो देखते हैं। कैट 2016 का डेटा तो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा कुछ इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन हुआ था ड्यूरिंग द एग्जाम, तो एक्चुअल एंड जेन्युइन जेन्युइन डेटा इज नॉट अवेलेबल। आप अगर बाकी के वेबसाइट्स पे जाओगे तो वहां पे आपको कुछ डेटा मिल जाएगा, लेकिन जो आईआईएम बैंगलोर ने कंडक्ट किया था 2016 का कैट, उसका डेटा मुझे तो नहीं। 2017 का लखनऊ ने कंडक्ट किया था, 300 मार्क्स का हुआ था, तो उसमें से 185 मतलब कितना, ऑलमोस्ट 62% पे आपका 99.5% आ गया था, करेक्ट। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 66% पे आपका, सॉरी 56% पे आपका 99.5% आ गया था इन दिस ईयर एज वेल। 56% पे आपका 99.5% आ गया था, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50%, करेक्ट, 50% से भी कम, अराउंड 49% पे आपका 99.5% लग गया था, जबकि यहाँ पे आपका 53% के आसपास आपका 99.5% लग गया था। तो कोई भी साल में आप अगर देखोगे तो अराउंड एवरेज, अभी ये जब 3 3 साल का होता था एग्जाम तो थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको 40 40 मिनट की जगह पे 1 1 घंटा मिलता था, 1 आवर फॉर वीआरसी, 1 आवर फॉर डीआईएलआर एंड 1 आवर फॉर। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा रहेंगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज्यादा बढ़ेंगे, और जो टॉपर्स होता है, टॉपर मतलब एक दो लोग होते हैं, तो टॉपर मतलब क्या, 2,000 1,000 लोग रहेंगे जो 0.5% में रहेंगे, ये क्या 2,000 1,000 2,000 लोग रहेंगे, तो उतने लोग चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन कम होता है, जैसे जैसे आपका टोटल मार्क्स कम होता है, तो देखो आप परसेंटेज कम होता है। तो अगर आप देखोगे 2 आवर्स के एग्जाम में, 120 मिनट्स के कैट के एग्जाम में, मैक्सिमम 50% पे आपका कैट का 99.5% आ जाता है, मतलब आपको सभी आईआईएम्स के कॉल्स आने के चांसेस, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है गाइज, आप अगर डेटा लेके पढ़ना स्टार्ट करो, डेटा एनालिसिस इतना बड़ा फील्ड हो रहा है आज, डेटा लेके पढ़ना स्टार्ट करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो पहला पूरा एनालिसिस करके स्टार्ट करो, कुछ डरने की बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। मतलब अभी आप अगर कैट 21 में, 22 का तो रिजल्ट आने का है, कैट 21 में लोगों ने कितना, ये 107/3 अगर आप करते हो तो, और मैक्सिमम 35 36 क्वेश्चंस वर करेक्ट, तो इसमें 39 क्वेश्चंस करेक्ट, 2 3 इनकरेक्ट ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इतने स्कोर पे भी आपका डेफिनेटली 99.5% आ जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर मैं क्वांट के सिलेबस के बारे में बात करूं, तो क्वांट का सबसे ज्यादा वेटेज, कोई भी एग्जाम में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपका अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक में परसेंटेज, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, वेरिएशन,
प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, रेसेस, स्पोर्ट्स एंड स्ट्रीम्स, ये एक ही टॉपिक आता है, एक ही टॉपिक के पार्ट है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स अंडर सेक्शन अरिथमेटिक। देन नंबर्स में अगर मैं देखूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैदिक मैथ, क्योंकि आपका स्पीड कैलकुलेशन अच्छे से होना जरूरी है, अच्छा आपको समझना जरूरी है। बेसिक्स ऑफ नंबर्स मतलब एस सी एफ एल सी एम आता है, रिमाइंडर थ्योरम आता है, डिविजिबिलिटी थ्योरम आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री और सिक्स और नाइन, देन वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय फोर और एट और टू, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब उसमें आता है। फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपको कैट एग्जाम में। बेस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि जीरो बेस, बेस टेन, हेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम में वगैरह किस तरीके का नंबर आएगा, वो कैट में नहीं आता है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी होता है एमपी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सक्सेसिव डिवीजन, देन हाईएस्ट फॉलोइंग फैक्टोरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैट के हिसाब से। देन ज्योमेट्री, अभी अरिथमेटिक के ऊपर ऑलमोस्ट 40 to 45% वेटेज होता है, देन रिमेनिंग 40% ऑफ द वेटेज, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वेटेज इज ऑन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। कितना हो गया, 20, 20 and 40, 80, तो बचा हुआ 10% एंड 10% वेटेज इज ऑन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, परसेंटेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। 22 क्वेश्चन अगर रहेंगे तो 2 क्वेश्चन इधर, 2 से 3 क्वेश्चन इधर, देन 5 एक क्वेश्चन इधर, 5 एक क्वेश्चन इधर, कितने हो गए, 10 और 5, 15, तो अराउंड 7 से 8 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक्स लगते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी सिंपल टॉपिक्स, एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस। ज्योमेट्री का क्या होता है कि लोग है ना फॉर्मूला भूल जाते हैं, जबकि ज्योमेट्री देखोगे तो पूरा ज्योमेट्री आपका 50 से 70 फॉर्मूला के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाता है, 70 भी बहुत हो गया, मैक्सिमम 50 फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड अप विद इन द लिस्ट ऑफ 50 फॉर्मूलाज, पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाता है। लेकिन डर जो होता है आपके माइंड में ना, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, पॉलीगॉन, सर्कल्स का टेंजेंट, सिकेंट थ्योरम वगैरह आता है, पॉलीगॉन्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में 2D एंड 3D मेंसुरेशन आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ये सब आता है। अलजेब्रा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अलजेब्रा एक ऑपरेशन होते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो 7-8, 7 से 11 ऑपरेशन है वो आपको करने पड़ेंगे, कर चुके हो यार, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, जो आपने सब कुछ 10th तक किया हुआ है बस वही आपको रिपीट करना है, जो विद हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। अभी तो 10th तक तो आपके पास आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी तो आपके पास अच्छा टारगेट है ना, आपको आयन में जाना है ना, तो वो टारगेट रख के एंड विद हायर लेवल, तो हायर अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, आप थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो चुके हो तो आपको पता है कि भाई कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, तो मैं किसके ऊपर कितना ज्यादा टाइम मैंने देना चाहिए आगे के 10-11 महीने। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, मैक्सिमम मिनिमम है, ये थोड़े हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ कैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैट जेड आईक्यू, उनके अलावा बाकी कोई भी एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। देन कॉम्पिटिशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रेशन, मतलब एपीजीपी एचपी हो गया है, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वेन डायग्राम्स, और इसको हम लोग सेट थ्योरी थोड़ा मैथमेटिकल टाइप में आता है, वेन डायग्राम्स थोड़ा एलआर के टाइप में, ठीक है, और सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सिंपल टॉपिक्स हैं पॉइंट्स के। अभी एलआर के बारे में बात, ये एलआर टॉपिक से दो एडीआई, तो एलआर के बारे में बात करूं तो एलआर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक्स एंड एडवांस। अगर मैं बेसिक एलआर के बारे में बात करूं तो इसमें से कोई भी टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना ही आपको कैट में दिखेगा, ना ही आपको जैट में दिखेगा, और बहुत रेयरली आपको आईआरटी में दिखेगा डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में बात कर। हाँ, ये बेसिक टॉपिक्स के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बाकी सब एग्जाम्स में दिखेंगे, चाहे वो एनमैट हो, चाहे वो स्नैप हो, चाहे वो सीमैट हो, चाहे वो महाराष्ट्र का एमबीएससीईटी हो, चाहे वो दिल्ली का एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे। कैट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक, थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, बेसिक लेवल के टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो एडवांस लेवल के टॉपिक्स करने में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एलआर का एक माइंडसेट थोड़ा थोड़ा अपना ब्रेन वो डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करता है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ ये टॉपिक्स है जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हायर लेवल कैट सॉरी हायर लेवल एग्जाम्स में ये टॉपिक्स हैं, डी डायग्राम्स, मैक्सिमम मिनिमा, रीजनिंग बेस्ड डी आई, देन
एक डीआई बेस्ड रीजनिंग रह गया इधर डालने का, देन अनकन्वेंशनल ग्राफ्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ कैट जेड आईएफटी के लिए। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में तो भी शायद इधर उधर छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये हाँ बाकी एग्जाम्स में ये लेवल के क्वेश्चंस, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लीनियर, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, ये चारों के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हर एक एग्जाम में। उठा के देखो केसलेट नेटवर्क्स एंड ट्री डायग्राम के ऊपर भी थोड़े फार क्वेश्चन आपको दिखते हैं। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, वीएआरसी। भाई वीएआरसी को जितना आप इग्नोर करते हो ना, उतना वो पीछे से आके आपकी मारने के पीछे लगता है। क्यों? क्योंकि वीएआरसी का इंपॉर्टेंस आपका एलआर में भी आता है। भाई एलआर के क्वेश्चंस आपको ना ही हिंदी में पूछे जाएंगे, ना ही आपके मदर टंग में पूछे जाएंगे। एलआर के क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन अगर हम जब भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हमने हमारे क्लासेस में बहुत बार देखा है, और आपको भी, हर एक बच्चे को भी ये एक्सपीरियंस आया होगा कि जब आप खुद से सॉल्व करते हो ना, आपको कोई तो भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है जहां पे आप अटक जाते हो। एलआर की बात कर रहा हूं मैं या डीआई की बात कर रहा हूं। और वो क्यों अटकते हो? क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग ही आपको नहीं समझ में आता है ना? तो ये दिक्कत क्या है? ये दिक्कत एलआर का क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं है, ये दिक्कत डीआई का क्वेश्चन समझने में नहीं है, ये दिक्कत है आपका इंग्लिश वीक है। इसीलिए मैं आपको गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं कि आपका, आपके हाथ में जो भी आर्टिकल आए पढ़ो, बस पढ़ते रहो एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे, एंड रीड इट अलाउड। ये आपका, ये जोर से पढ़ने की आदत आपको हेल्प करेगी इन योर जीडीज एंड पीआईज, पर्सनल इंटरव्यू, जो भी आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे या कॉलेज के इंटरव्यूज के लिए जाओगे, उसमें आपको जोर से बात करने का जो कम्युनिकेशन आपका डेवलप होगा, धीरे 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 आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होगा, जो बात करने का ओरेटरी स्किल्स डेवलप होगा, वो इसके वजह से होगा। लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज होती है, वो इसी के वजह से डेवलप होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है उसमें। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आरसी पढ़ना स्टार्ट करो, आरसी पढ़ना स्टार्ट करो। मैं बोलूंगा आपको कि पहले 4 से 5 महीने तक, एटलीस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च टिल अप्रैल तक आप जो पढ़ो, पढ़ना चाहो वो पढ़ो यार, जो पढ़ना चाहो वो पढ़ो। और जो भी वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उसके लिए आप डायरेक्ट मोबाइल गूगल ओपन करो एंड फटाफट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सेपरेट डायरी करके उसमें लिखो, घंटा वो डायरी ओपन करने वाले हो आप पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होता है। बट एटलीस्ट गूगल तो कर लो वर्ड, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा, 2-3 बार जब आप सेम वर्ड गूगल करोगे, फोर्थ टाइम आपको वो वर्ड गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको पढ़ना है एग्जाम्स के लिए, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे तो आपका एक सिस्टम रेडी होना जरूरी है। तो हम लोग वो कैप किस तरीके से पढ़ना रिकमेंड करते हैं, तो रूट वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं, फिर सिनोनिम एंटोनिम पे जाते हैं, फिर एनालॉजीज पे जाते हैं, एंड देन एग्जाम लेवल वर्ड्स पे हम लोग जंप करते हैं। क्योंकि एग्जाम लेवल में, एग्जाम में यूजुअली पैसिव वो कैप ज्यादा पूछा जाता है, एक्टिव नहीं। अब ये क्या होता है, ये हम लोग वर्बल के सेशंस में बताए थे। वर्बल एबिलिटी में अगर आप देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पैरा समरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पैरा कंप्लीशन, पैरा एग्जांपल्स के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि ये ग्रामर में आप पैरा एग्जांपल के ऊपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। आपको जो पैराग्राफ्स या स्टेटमेंट्स कनेक्ट करने हैं, वो ग्रामर में बहुत अच्छे से, ये कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये जो टॉपिक्स जो बड़ा रोल प्ले करते हैं ना टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वो आपको नहीं पता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड फिर सबसे लास्ट में आता है रीडिंग। ये जब आप 45 मिनट्स पर डे 3-4 महीने पढ़ोगे, 100-120 दिन पढ़ोगे, मतलब कितना हो गया वो, हाँ 4-4.5 हज़ार मिनट्स का रीडिंग हो गया, ऑलमोस्ट 5,000 मिनट्स का रीडिंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। इतना रीडिंग करने के बाद आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इतना बढ़ जाता है कि ये आरसी बेसिक्स वगैरह जो है, बेसिक लेवल का आरसी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले तो आपने आरसी के बेसिक्स क्या है वो समझने चाहिए, फिर आपका स्पीड रीडिंग होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे 5,000-6,000 मिनट्स, तो 4,500-5,000 मिनट्स जब आप पढ़ोगे, तो जाके आपका स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। फिर वो आप पैसेजेस जो जो टेक्निकल पैसेजेस होते हैं या जो एग्जाम लेवल पैसेजेस होते हैं, जो तो उनको आपको कंप्रेंड करना थोड़ा आसान जाएगा, क्योंकि आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुका है, एंड देन आपने प्रैक्टिस करना रिकमेंडेड। तो इंग्लिश का तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि जनवरी टू अप्रैल तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रीडिंग ही करते रहो, नॉर्मल रीडिंग ही करते रहो। मई से आप एक्चुअल वर्बल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है, ये तो हो गया सब टॉपिक सब्जेक्ट्स के बारे में। अभी जो अलग टॉपिक्स, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, जीके एंड इनिवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, सिर्फ सीमैट के लिए पूछा जाता है। लेकिन जीके जो होता है, जीके हम लोग वीकली बेसिस पे, सॉरी मंथली बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं। हम लोग यूपीएससी के बारे में वीडियोस, यूपीएससी के जीके के लिए वीडियोस नहीं बनाते हैं। हम लोग सिर्फ जनरल अवेयरनेस एंड बिजनेस अवेयरनेस विच इज रिलेटेड और विच इज रिलेवेंट फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके बारे में हम लोग जीके के वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे। वो सब आपको मिल जाएंगे। जीके का सेपरेट प्लेलिस्ट है, मंथ वाइज है। आप सीमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेड आई एफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड गो थ्रू दोज वीडियोस एंड मेक योर ओन थॉट्स। बाकी का जो स्टैटिक जीके है, उसके लिए हम लोग सेपरेट वर्कशॉप्स लेते हैं। जैसे CMAT 23 के लिए हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले। टैक्रेट प्रोसेस कैसा है एमबीए के लिए, अगर आप, हम लोग अभी बात करेंगे कैट के पॉइंट से, कैट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम कैट का आता है। एनमैट बहुत कम लोग एग्जाम देते हैं एनमैट का कैट के पहले, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर एनमैट का टारगेट रख के तो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। प्रिपेयर टारगेट रखना है तो कैट का रखो, एनमैट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। CAT 23 के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपके पास है अभी भी 11 महीने, दैट इज अराउंड 330 डेज। कितने आवर्स का प्रिपरेशन लगेगा, मैक्सिमम 500 to 800, डिपेंडिंग अपॉन योर बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन। 330 डेज में अगर 800 आवर्स का प्रिपरेशन लगता है तो मैक्सिमम 2.5 आवर्स पर डे। भाई भाई और बहनों, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 2.5 आवर्स पर डे। इतना तो निकाल ही सकते हो खुद के पूरे आगे के 25-30 साल के करियर के लिए, है ना, उतना तो निकाल ही सकते हो यार, कम ऑन, सब लोग कर सकते हो। 2-2.5 घंटा हम लोग, अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके चेक करोगे, ऐप टाइमर्स में जाके, इंस्टा पे कम से कम आप 1-2 घंटा पर डे, 2 आवर्स पर डे आपका इंस्टा में जाता होगा, अराउंड 1 to 2 आवर्स पर डे आपका YT शॉर्ट्स में जाता होगा, है ना, ये इंस्टा पे, ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे। इतना टाइम अगर खुद के करियर पे डालोगे, ये खुद इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट जैसे ऐप डिजाइन करने की, या शायद आप की कैपेबिलिटी बन जाएगी, राइट। ये 2 to 5 आवर्स, 2 to 3 आवर्स पर डे में क्या करना है आपको, कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम जो होता है वो ऑलमोस्ट मंथली एक्टिविटी होता है, कि मैं क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड विच इज द ट्रैक आई एम गोइंग ऑन एंड जो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले करना पड़ता है मंथली प्लानिंग। जो भी आपका आगे के मंथ का सिनेरियो रहेगा उसके हिसाब से, मतलब दिसंबर में यूजुअली सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम चल रहे हैं तो दिसंबर में आप अपने कैट के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जनवरी में आपको पता है कि कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ कॉलेज के इवेंट्स वगैरह रहेंगे, तो आपको पता है कि जनवरी के मंथ में मैं कम से कम 10 से 15 टॉपिक्स, 10 भी ज्यादा, 15 भी ज्यादा हो गए, मैं तो बोलूंगा कि 10 पॉइंट के टॉपिक में उड़ा सकता हूँ। कौन से मंथ में, जनवरी मंथ में 5 LR के टॉपिक में कवर अप कर सकता हूँ इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड डेली। अभी मैंने दिसंबर में जब मेरा एग्जाम चल रहा था तो थोड़ा मेरा रीडिंग पीछे छोड़ दिया था, तो डेली 1 आवर का रीडिंग तो मैं कर ही सकता हूँ, राइट। उसके लिए आपने क्या करना चाहिए, जब आप एक टॉपिक हाथ में, अभी दिन महीने के 15 टॉपिक है सिर्फ, 10 और 5 पेज वर्बल का तो मैंने टॉपिक बताया ही नहीं है, 15 टॉपिक महीने के, मतलब एक टॉपिक के लिए आपके पास 2 से 2.5 दिन है, करेक्ट। तो क्या करना है कि सबसे पहले आप टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आप स्पीड एंड टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हो। पहले अगर टॉपिक ही नहीं समझा, डायरेक्ट मैंने टाइमर लगा दिया तो टॉपिक नहीं समझा, उसका फ्रस्ट्रेशन अलग रहेगा एंड टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड टाइम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, 2, 3, 4 मिनट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन अलग बढ़ेगा। तो एक स्टेप प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इसीलिए उसको सैक्रेड प्रोसेस बोला जाता है, वो फॉलो करोगे तो ही जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। धोनी भाई बोलते हैं कि आई नेवर फोकस ऑन द रिजल्ट्स, फोकस ऑन द प्रोसेस। कौन बोलते हैं, धोनी भाई, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द एग्जाम्स, जो एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, अंडरस्टैंड योर फोर्स, ये फोर्स कौन है आपके, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, देन यूट्यूब, देन जो वेबसाइट्स आप देखते हो इन डॉक्यूमेंट में जाके, वो सब, तो ये सबको साइड में रख के आपने अपने स्ट्रेंथ्स पे
फोकस करना चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डर, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, देन स्पीड बिल्डिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना, एंड देन मंथली एटलीस्ट 2 मॉक्स तो भी देने चाहिए ये मेरे को। एटलीस्ट 2 मॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। एक कैट का दे दिया, एक जेट का दे दिया, एक IFT का दे दिया, एक NMAT का दे दिया, सभी एग्जाम्स का मॉक देना देने चाहिए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है आपको, या फिर कोई अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज लिया हुआ है तो 2-2 हज़ार में पूरा का पूरा एग्जाम्स के 15-15, 20-20, 25-25 मॉक्स आ जाते हैं। तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार एग्जाम देने के बाद आप जुलाई अगस्त सितंबर तक वो लेवल पे पहुंचोगे कि यार मुझे एग्जाम देना है कि नहीं, वो एग्जाम का फीस भरने के पहले। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज और प्लान्स फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। हर एक एग्जाम डिफरेंट होता है अपने में, इन टर्म्स ऑफ द टाइम लिमिट, इन टर्म्स ऑफ द पेपर पैटर्न, एंड इन टर्म्स ऑफ योर अप्रोच विच इज रिक्वायर्ड। अगर कोई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो आपके अटेम्प्ट्स थोड़े लो होने चाहिए, आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होने की रिक्वायरमेंट है। जो एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है वो एग्जाम में ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए होता है स्पीड। 40-30-35 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, ताकि आपको अटेम्प्ट करने के लिए भी 2-3 सेकंड बचे, जैसे MBA CET का एग्जाम हो गया, SRCC का एग्जाम। हर एक एग्जाम का स्ट्रेटेजी अपना अलग अलग, तब हम लोग पढ़ाते। तो प्रोफाइल एंड पर्सनैलिटी बिल्डिंग में आपने क्या करना चाहिए, या हम लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो रिज्यूमे बिल्डिंग विच इज अ मंथली एक्टिविटी, क्योंकि मंथली बेसिस पे आपका रिज्यूमे अपडेट होते रहना चाहिए। जो आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, 15 दिन का किया, 2-3 वीक्स का एक इंटर्नशिप किया, 1 वीक का भी इंटर्नशिप किया चलेगा, लेकिन वो CV में आपके अपडेट होते रहना चाहिए, वो आपके लिंक्डइन पे दिखते रहना चाहिए। देन ग्रुप डिस्कशंस, हम लोग तर्कशास्त्र के सेंटर्स पे ऑनलाइन में रहे या ऑफलाइन में रहे, GDs मंथली कंटक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स का, क्योंकि कॉल आने के बाद GD का प्रैक्टिस करने में कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो बंदा पहले ही नर्वस होता है। धीरे धीरे जब आप महीने साल 2-3 महीने में, 4-5-6 महीने में, 1 साल में कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, तब जाके आपका GD में जो कंटेंट रहेगा वो उभर के बाहर आएगा, राइट। अभी आपका 15 दिन में, 3 हफ्ते में आप क्या कर लोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे या कंटेंट बिल्ड करोगे भाई? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रोसेस होता है जिसको टाइम लगता है। कंटेंट तो ठीक है, आप 4-5 महीने की रीडिंग पे बिल्ड कर सकते हो, या 2-3 महीने की रीडिंग, 2-3 हफ्ते की रीडिंग पे भी, फोकस्ड रीडिंग पे भी आप बिल्ड कर सकते हो। वैट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, बिकॉज वैट इज ऑल्सो कंटेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी, एंड योर लैंग्वेज स्किल्स ये दोनों एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा डेवलप होती है। यहाँ पे आपका डिस्कशन या ओरेटरी स्किल्स डेवलप होती है, एंड यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, हाउ डू यू कम्युनिकेट थ्रू द राइटिंग, वो डेवलप होता है, करेक्ट। देन हम लोग पर्सनल इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन ये थोड़ा बाद में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले बंदों का GD एंड वैट के थ्रू कॉन्फिडेंस तो बढ़े, उनका कंटेंट तो बढ़े, उनका लैंग्वेज पे कमांड तो आए, उसके बाद हम लोग पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, तो फिर टाइम वेस्ट होता है सबके लिए एंड कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो अलग चीज। केस स्टडीज कंडक्ट करवाते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, क्योंकि केस स्टडीज में क्या होता है कि केस स्टडीज में आप रीडिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि केस स्टडी जो आने वाला है वो कौन सा टॉपिक आने वाला है। इवन इफ आई एम अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, लेकिन मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर केस स्टडी दे दिया, ये मैंने दे दिया आपके क्लासेस में, हम स्टूडेंट्स होते हैं हमारे बैचेस में जो बोलते हैं कि सर आप प्लीज टॉपिक चेंज करके दो। IIMs में अगर आपने कैट में 99.5% के ऊपर 99.89% स्कोर कर लिया, IIM से आपको कॉल आ गया और उन्होंने अगर केस स्टडी दे दिया जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन, जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं है, तो आप उनको जाके थोड़ी बोल सकते हो। तो इसके लिए हमें सब वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है, दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है, वो धीरे धीरे फॉलो करोगे तो जाके वो होता है, और वो हम लोग उसके बारे में सबके ऊपर फोकस करते हैं फ्रॉम योर डे वन। अभी हम लोग चाहते हैं कि ये जो आप CAT 23 का जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, इसके लिए तर्कशास्त्र कहाँ पे और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, अगर आप चाहो तो। हम लोग CAT 23 एंड अदर एग्जाम्स के लिए क्लासरूम कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी फर्स्ट वीक। दिस इज फॉर CAT 23, ओके। CAT
कैट 23 एंड अदर नॉन कैट एग्जाम्स ऑफ 23 एंड 24 सीजन। तो ये कैट के साथ साथ जो बंदे सिर्फ कैट के लिए ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए कैट के साथ साथ दैट एंड आईएफटी का भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लासरूम कोर्स एंड ऑनलाइन बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, जिसमें हम लोग आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं, क्लासरूम एंड लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे एक्टिविटीज बताई मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पे, वो सब एक्टिविटीज हम लोग कंडक्ट करवाते हैं टू बिल्ड अ स्ट्रांग प्रोफाइल ऑफ अ कैंडिडेट। इसलिए आप मतलब हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आता है वो 6 महीने बाद जो उसका पर्सनैलिटी पूरा निखर के बाहर आता है बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू परचेस अ रिकॉर्डेड कोर्स वी आर रेडी टू सेल दैट रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फीस ऑफ 14,000 स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको कोई पेनड्राइव कोर्स के जैसा या ड्राइव कोर्स के जैसा एकदम से नहीं मिल जाएगा। हम लोग जो बैचेस में ये जो बैचेस रहेंगी उनमें जो पढ़ाएंगे वही आपको मिलना चाहिए ना यार, नहीं तो फिर क्या मतलब है कि मैंने कैट 22 के लिए जो सेशंस रिकॉर्ड करके रखे वही मैं आपको अगर बेच रहा हूँ तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। डेटा हमेशा, कंटेंट हमेशा अपडेट होते रहता है, पढ़ाने का स्टाइल हमेशा अपडेट होते रहता है। ठीक है, जितना आप लोग सीखते हो पढ़ते पढ़ते उतना हम लोग भी अपडेट होते रहते हैं पढ़ाते पढ़ाते। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि भाई मैंने अभी सब कुछ सीख लिया, अभी इससे ज्यादा मैं कुछ आपको नहीं डिलीवर कर सकता, ये जो है वो फाइनल है, ऐसा नहीं होता है। जितना ज्यादा हम लोग पढ़ाएंगे उतना हमारे उतना हम लोग भी नया नया सीखते रहते हैं, शॉर्टकट सीखते रहते हैं, उतना हम लोग हमारे नए नए कंटेंट में अपडेट करते रहे। इसलिए ये जो कंटेंट है इसका, ये जो रिकॉर्डेड कोर्स है, ये क्या होता है, आपको एक पोर्टल का एक्सेस मिलता है हमारे वेबसाइट पे, जिसपे हम लोग वीडियोज अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे हम लोग ये क्लासरूम एंड ऑनलाइन बैचेस में पढ़ाएंगे विद इन 24 to 48 hours वो वीडियो रिकॉर्ड होके पोर्टल पे आ जाते हैं। उसके साथ हम लोग आपका प्रोफाइल समझ के आपको इनिशियल प्लान देते हैं कि आपने कितना टाइम कौन से एक्टिविटीज के लिए स्पेंड करना चाहिए, जैसे रीडिंग हुआ, या अगर इफ यू आर नॉट अ पर्सन हु इज वेल हु इज वेरी मच इनटू रीडिंग देन आप मूवीज, हम लोग मूवीज रिकमेंड करते हैं, आप मूवीज देखो, सॉन्ग्स रिकमेंड करते हैं, वो आप कंटिन्यूसली सुनते रहो ताकि आपका इंग्लिश डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, ये लैंग्वेज एग्जाम्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है, तो हमारा जॉब है आपको इंग्लिश लैंग्वेज, आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करो। इनिशियल प्लान देने के बाद सबका सबको हमने क्या क्या प्लान दिया इसका हमारे पास एक्सेल में ट्रैकिंग रहता है एंड हम लोग बाय वीकली फॉलोअप्स लेते रहते हैं ताकि कौन सा बंदा ऑन द ट्रैक है, कौन सा बंदा ट्रैक छोड़ रहा है। जो बंदा खुद से ट्रैक छोड़ रहा है 2-3 बार फॉलोअप देने के बाद हम लोग उसके साथ फॉलोअप्स नहीं लेते हैं, ये भी मैं रिकमेंड कर ये भी मैं बताना चाहता हूँ। बाय वीकली फॉलोअप मतलब 15 दिन में एक बार हो रहा है। अगर मैंने 3-4 बार आपके साथ फॉलोअप लिया और आप अभी भी ऑन ट्रैक आने के लिए रेडी नहीं हो, मतलब आपका इंटरेस्ट निकल चुका है। ये 10-15% ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ होता है, लेकिन वो एंड एंड में होता है जब आपका कंटिन्यूअसली मॉक्स में स्कोर नहीं आता है। मोटिवेट करना हमारा काम, घोड़े को पानी तक लेके जाना हमारा काम है। वो घोड़ा पानी पीना ही नहीं चाहे तो हम लोग उसका मुंह उस पानी में नहीं डुबा सकते, राइट। देन इंडिविजुअल प्रिपरेशन ट्रैकिंग, ये तो जैसे मैंने अभी कवर कर लिया है। पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा जिसमें आपको वीडियोज मिलेंगे, देन स्टडी मटेरियल मिलेगा। हार्ड कॉपी में हम लोग बुक्स देते हैं, हम लोग सॉफ्ट कॉपी मटेरियल नहीं देते बिकॉज इतना टाइम आप लोग लैपटॉप के सामने बैठ के नहीं पढ़ सकते, ह्यूमन माइंड नहीं है इतना अभी तक, ठीक है। हार्ड कॉपी जो बुक्स है वो आपके घर पे डिलीवर होते हैं, ठीक है, होम डिलीवर आपको बुक्स मिल जाएंगे। उसके साथ आपके डाउट्स जो होते हैं, हमारा वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है एवरी सैटरडे संडे, उसके साथ साथ क्लास, ये तो स्पेशल डाउट्स के लिए, कौन से जो क्लास के अलावा आपको बुक्स से, और हम लोग सिर्फ ये रिकमेंड नहीं करते कि सिर्फ हमारे स्टडी मटेरियल यूज करो, जो भी स्टडी मटेरियल से डाउट रहेगा वो आप दे सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो इतना सारा है कि आप वही खत्म करते करते थक जाए, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगे, टेस्ट होते हैं सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, उसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो हमने रिकमेंड किया कि आपने मंथली 2 से 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए, एंड ये सबका वैलिडिटी रहेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम देन आपका वैलिडिटी रहेगा 15th of January, वैलिडिटी किस 15th of January 2024 तक, किसका किसका, ये वीडियोस का सिर्फ, क्योंकि वो वीडियोस उसके बाद आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेंगे, लेकिन आपको GDPI वैट का ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। एंड जो लोगों ने ये सिर्फ कैट के लिए,
जो लोगों ने कैट प्लस नॉन कैट के लिए ज्वाइन किया हुआ है, कैट प्लस नॉन कैट के लिए ज्वाइन किया हुआ है, उनका ये सब का एक्सेस रहेगा May 24 तक, क्योंकि तब तक JBI में सेमेचुरिटी का एग्जाम होने का रहता है। अगर वो हो गया तो तब तक उसके बाद आपका एक्सेस चले जाएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। ऐसा हमें देने के लिए आप लाइफ टाइम के लिए रख लो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रिलेवेंट ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है, क्योंकि वो डेटा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन कॉन्टेंट चेंज होता है। ठीक है, टू बुक अ स्लॉट फॉर डेमो सेशंस यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन दिस नंबर और इन योर दीज टू नंबर। अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके सब कोर्सेज के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि एक्स्ट्रा कोर्सेज जो है विच आर रिलेटेड टू रिलेवेंट फॉर योर प्रोफाइल बिल्डिंग, उसके भी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं कैट का प्रिपरेशन। टू बुक अ स्लॉट फॉर डेमो गेट इन टच विद अस। थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।